हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीवो ने एक अपना नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है, वीवो Y75 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, अपने इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और चैनल पर कभी पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर डिज़ाइन की कभी बात करते हैं तो इसका जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों वीवो के जितने भी सारे स्मार्टफोन हैं सबके अंदर आपको डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। दोस्तों, वीवो Y75 के डिस्प्ले की कभी बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 6.58 इंच का फुल HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसमें कैमरे की कभी बात करते हैं तो इसके रियल साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल की माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और दोस्तों, फ्रंट में फोटोज और वीडियोज लेने के लिए 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। दोस्तों, इसमें परफॉर्मेंस की कभी बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें OS की कभी बात करते तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फनटच OS 12 मिलता है, जो कि बेस होगा एंड्रॉयड 12 पे। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर बैटरी की भी बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें रैम और रोम की कभी बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 8GB की रैम देखने को मिलती है, साथ ही आप इसको और 4GB एक्सटेंडेड करवा सकते हो। और इसमें आपको 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है और इसके अंदर आप 1TB तक स्टोरेज एक्सपेंडेबल कर सकते हो। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड स्लिम स्लॉट देखने को मिलता है, इसमें आपको डेडिकेटेड स्लिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इसमें प्राइस की भी बात करते तो इस स्मार्टफोन की 8GB प्लस 128GB की प्राइस आपको 21,990 रुपये देखने को मिलती है। वैसे तो दोस्तों, ऑल ओवर आपको स्मार्टफोन अच्छा देखने को मिलता है, पर दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिए गए वो हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिलती है। यही सारे स्पेसिफिकेशन आपको एकदम कम प्राइस में मार्केट में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आपको कभी 20 से 22 हज़ार के रेंज में कोई स्मार्टफोन लेना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको इस स्मार्टफोन के बारे में क्या लगता है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो कभी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहते। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।